हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ग्यू छली। तो सोचा छोटी सी रेसिपी है, आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। बाकी सब भी शेयर करता हूँ, तो ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये उबली हुई छली। अरे लगता है गहना ने छली कुकर में उबाल दी है, तो देखते हैं। आइए, गहना कहाँ पे हो तुम? गहना गहना पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ पे गई गहना? तो यहाँ तो नहीं है गहना। गहना ये गहना बिना छली उबाल के कुकर में और शूटिंग पे गई है। आखिर ये गहना है कौन, तो वो देखने के लिए आपको सातिया टू देखना होगा। तो चलिए हम भी इंतज़ार करते हैं गहना है कौन। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी छली बहुत ही बकवास। चलिए जैसे कि मैंने बताया आपको, गहना ने छली कुकर में उबाल दी थी। तो अब हम देखते हैं छली कितनी उबली है। ये तो अगर कुछ रह जाएगी कभी बेशी तो हम इसको दोबारा उबाल सकते हैं। तो चलिए चलिए देखते हैं छली हमारी। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। इसको उबालने के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी ली थी और थोड़ा सा नमक लिया था ताकि वो इसके अंदर छली के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और मैंने 3 से 4 सीटियाँ दिलवाई थी। तो छली जो हमारी उबल चुकी है, तो हम बनाते हैं आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस ये है, हम इसके लिए बनानी है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी इमली, चीनी और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो चलिए बनाते हैं इमली की चटनी। बनाने के लिए मैंने लिया है पानी थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पानी है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली। तो चलिए इमली निकालते हैं। इमली क्या है? इमली हम फ्रिज में रखते हैं ताकि इस पर कीड़ा ना लग जाए। ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसको हमें फ्रिज में रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ इमली। इमली हम डालते हैं इस गर्म पानी में। तो मैंने ज़्यादा नहीं ली है, मैंने थोड़ी सी ली है, पता नहीं कितने ग्राम होगी मुझे मालूम है। मैं इसको मैं डाल रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें इमली डाल दी है। अब हम इसको थोड़ी देर कम से कम 15-20 मिनट बॉईल होने देते हैं। इसको थिक हो जाएगी, जब पानी थोड़ा सूख जाएगा और थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चीनी और लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं वेट। तो फ्रेंड्स, हमारी जो इमली है, हमारा जो इमली वाला पानी है वो अभी उबल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम इसको थोड़ा बनने देते हैं, पानी को सूखने देते हैं, पानी इमली जो है पानी के अंदर मिक्स होने देते हैं। हमारा जो इमली वाला पानी है थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो रहा है, देखिए। अभी ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी मिक्स हुई हमारी इमली। तो अभी हमें इसको थोड़ी देर और पकने देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इमली वाला पानी है वो ऑलमोस्ट थिक हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा ही हुआ है। तो अभी हम इसमें डालते हैं चीनी। तो निकालते हैं चीनी। चीनी के बजाय आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ मेरे पास अभी नहीं था। तो अब मैं इसमें डालता हूँ चीनी। मिल के रखता हूँ मैं नीचे। तो अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ चीनी। थोड़ा इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, इसलिए चीनी मैं इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अब
मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी नहीं डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी तो ज़्यादा मिर्च मिर्च रहेगा, थोड़ी सी डाल रहा हूँ मैं। अब हम करते हैं इसमें थोड़ा सा मिक्स, अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ थोड़ा सा इसमें फूड कलर, फूड कलर, फूड कलर। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ज़्यादा नहीं डालना ये भी, देखिए अच्छा था, देखिए नहीं भी डालेंगे तो ये ऑप्शनल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, बस वो कलर लाने के लिए थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो जाता है, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट हो जाता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चटनी इमली की, कितनी अच्छी लग रही है ये देखिए कलर, ये देखिए थिक होनी स्टार्ट हो गई है, अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है आ जाओ बहुत अच्छी लग रही है, वाह मस्त एकदम बन गई मेरी जो इमली की चटनी है वो रेडी हो चुकी है ये देखिए। तो अब मैं इसको रखता हूँ पंखे के नीचे रूम टेम्परेचर में, तो चलिए तो आइए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ले रहा हूँ एक कोस्टर, कोस्टर उसके नीचे रखूँगा ताकि जो नीचे का सरफेस है जहाँ पर भी मैं रखूँगा वो ख़राब ना हो। तो चलिए 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 तो नीचे, ताकि नीचे जो कांच है गर्म होके टूट ना जाए, ठीक है। तो इसको हम होने देते हैं थोड़ा सा नॉर्मल, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स मैंने जो चटनी बनाई थी इमली वाली वो हो चुकी है नॉर्मल, रूम टेम्परेचर में आ चुकी है। मैंने छल्ली को निकाल लिया है बाहर कुकर से, उसको भी मैंने रूम टेम्परेचर में आने दिया है। ये मैं चटनी छल्ली और ये मैंने लिया है थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में लेंगे हम नींबू। तो अब हम करते हैं इसको मिक्स, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये है, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अब हम इसको ऐसे लगाएंगे चटनी, ठीक है। वाओ 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 यस, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हम इस पर करेंगे स्प्रिंकल चाट मसाला और अब हम इसमें करेंगे नींबू निचोड़, ब्रेड पकौड़ा नींबू निचोड़ा, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिया नींबू निचोड़ दिया है, तो अमेजिंग लग रही है। जहाँ पर आपको कमी लग रही होगी आपको, तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं चटनी, जैसे जैसे आप खाते जाएंगे वैसे वैसे चटनी डालते जाइएगा, ठीक है। तो ये था मेरा प्रोसेस, उबली हुई छल्ली जो कि गहन कुकर में छोड़ के चली गई थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरे ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, सिंपल सा ब्लॉग था लेकिन मेरा मन था आपके साथ शेयर करने का। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।